नमस्कार स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान महाविद्यालय कालवार जयपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान का इतिहास, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर द्वितीय का नाम है, इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला बनता है वह है, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न एक अन्य तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों में सर्वप्रथम पुरातात्विक स्रोत को लिया गया है, उसके पश्चात साहित्यिक स्रोतों को स्थान दिया गया है। राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, दुर्ग, मंदिर, स्मारक, ताम्रलेख, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, महल, भवन आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वप्रथम अभिलेखों का स्थान है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, ताम्रलेख, गुहालेख, सिक्के आते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से राजस्थान के गौरवमय इतिहास को जाना जा सकता है। इतिहास को जानने में निम्नलिखित शिलालेखों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रथम है बड़ली का शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये अजमेर जिले के बड़ली नामक स्थान पर भिलोत माता के मंदिर में स्थित है। यह शिलालेख दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। यह हमें प्राचीनतम राजस्थान के इतिहास की जानकारी देता है। दूसरा शिलालेख जो है बिजोलिया का शिलालेख, यह शिलालेख 1170 ईस्वी में निर्मित हुआ, भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया नामक स्थान पर स्थित है। इस शिलालेख में चौहान राजपूतों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। यह शिलालेख सांबर का प्राचीन नाम साकंबरी, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर, नागौर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर तथा भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल बताता है। रणकपुर प्रशस्ति, यह शिलालेख राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। 1439 ईस्वी में यह निर्मित हुआ। यह शिलालेख मेवाड़ के राजा बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के राजाओं की जानकारी प्रदान करता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित जो दुर्ग है चित्तौड़ का, उस दुर्ग में यह स्थित है। 460 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। इस शिलालेख में महाराणा कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, शैल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य जैसी कई उपाधियों से संबोधित किया गया है। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी में राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में इस शिलालेख का निर्माण हुआ। इस शिलालेख में मेवाड़ के बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के राजाओं की जानकारी के साथ साथ मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। राज प्रशस्ति, 1676 ईस्वी में इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया। यह शिलालेख वर्तमान समय में राजसमंद जिले में स्थित है। इस शिलालेख का रचनाकार रणछोड़ भट्ट था। राजसमंद झील के किनारे काले संगमरमर के 25 शिलाखंडों पर संस्कृत भाषा में यह शिलालेख लिखा हुआ है। यह शिलालेख संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। इस शिलालेख के माध्यम से मेवाड़ के सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, विवाह, भक्ति, मेवाड़ में लड़े गए युद्धों तथा राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। राय सिंह प्रशस्ति, 1594 ईस्वी में यह शिलालेख बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ में निर्मित करवाया गया। इस शिलालेख में
राव बीका से लेकर राय सिंह तक की जानकारी प्राप्त होती है। आमेर का शिलालेख, यह शिलालेख 16वीं शताब्दी में बनवाया गया। यह शिलालेख जयपुर के आमेर दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज कछवाहा से लेकर महाराजा मानसिंह प्रथम तक की जानकारी प्रदान करता है। राजस्थान के इतिहास को जानने में सांभोली के शिलालेख, सुंदा शिलालेख, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, घंटियाले का शिलालेख, चीरवे के शिलालेख, बसंतगढ़ के शिलालेख का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार हम शिलालेख के माध्यम से राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्व सामग्रियों में अगला स्थान आता है सिक्के, जिन्हें हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए सिक्कों का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। राजस्थान में मिट्टी, शीशे, तांबे, चांदी, सोने की मुद्राओं का प्राचीन काल में प्रचलन था। मेवाड़ के शासक बापा रावल ने 110 ग्रेन व 118 ग्रेन के सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में त्रिशूला, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, उदयशाही, ढींगला, भिलाड़ी, उदयपुरी रुपया नाम से सिक्के चलते थे। जोधपुर में विजयशाही, जैसलमेर में अखेशाही, जयपुर में झाड़शाही नाम से सिक्के प्रचलित थे। इन सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन रियासतों की सीमाओं का निर्धारण व धार्मिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। पुरातत्व सामग्रियों में अगला जो हमारा बिंदु है वो है मंदिर। राजस्थान के इतिहास में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मंदिरों के माध्यम से तत्कालीन राजपूताना के धर्म, स्थापत्य कला, वस्त्र, आभूषणों का पता चलता है। राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर, आबू तथा देलवड़ा के जैन मंदिर, ओशिया के जैन मंदिर, किराडू के मंदिर प्राचीन राजस्थान की स्थापत्य कला तथा धार्मिक स्थिति को बताते हैं। करणी माता मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, शिला माता का मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, मंडोर व जगत के मंदिर प्राचीन राजस्थान की जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातत्व सामग्रियों में अगला बिंदु हमारा उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में राजस्थान में कालीबंगा, रंगमहल, नोह, बागोर, आहड़, पीलीबंगा, गणेश्वर, सोथी, बेराठ आदि स्थानों से जब खुदाई की गई तो वहाँ से हमें खिलौने, हवन कुंड, सिक्के, शिवलिंग, बैलगाड़ी का खिलौना, मिट्टी के बने बर्तन, तांबे के आभूषण, सूती वस्त्र का टुकड़ा, मकानों के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। यह सभी प्राचीन राजस्थान की जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातत्व सामग्रियों में अगला हमारा जो बिंदु है स्मारक। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए स्मारकों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। स्मारकों को छतरी, देवल, थड़ा के नाम से भी जाना जाता है। स्मारकों में महाराणा प्रताप की छतरी, बापा रावल की छतरी, छरबाग की छतरी, मंडोरबाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरियाँ, चौरासी खंबा छतरी, मूसी रानी की छतरी, गेटोर की छतरी, आहड़ की छतरियाँ, प्राचीनतम आहड़ की छतरियाँ, प्राचीनतम राजस्थान की स्थापत्य कला तथा मृत राजा महाराजाओं की जानकारी प्रदान करती हैं। पुरातत्व सामग्रियों के अंतर्गत अगला हमारा बिंदु है दुर्ग। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से किलों का निर्माण किया गया था। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के किले बताए गए हैं। ये सभी 9 प्रकार के किले राजस्थान में विद्यमान हैं। राजस्थान की सुरक्षा दुर्गों से राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था, स्थापत्य कला, अनाज तथा जल भंडारण व्यवस्था का पता चलता है। राजस्थान में सोनारगढ़ का किला जो कि जैसलमेर में स्थित है, मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, आमेर का किला जो जयपुर में स्थित है, गागरौन का किला जो झालावाड़ में स्थित है, तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है, जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में स्थित है, मांडलगढ़ का किला जो भीलवाड़ा में स्थित है, इस प्रकार के कई किले स्थापत्य व सुरक्षा की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है तथा हमें प्राचीनतम राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ साहित्यिक जो स्रोत है हमारे उनका अध्ययन भी करना हमें अत्यंत ही आवश्यक है। साहित्यिक
स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीनतम राजस्थान के धर्म, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, राजस्थान में लड़े गए युद्धों, सती प्रथा, जोहर प्रथा, त्याग प्रथा, कन्यावध, दास दासी प्रथा के साथ साथ तत्कालीन समय की राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में प्रथम जो साहित्यिक स्रोत हैं वो पृथ्वीराज रासो हैं। इस ग्रंथ की रचना चंद्र बरदाई ने की। इस ग्रंथ में अजमेर के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, के बारे में बताया गया है। 1191 ईस्वी तथा 1192 ईस्वी के मध्य पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य लड़े गए युद्धों की जानकारी दी गई है। अजमेर के साम्राज्य के विस्तार, अजमेर के रीति रिवाज, संयोगिता के प्रेम प्रसंग का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाने वाला एक दोहा बताया गया है, जो इस प्रकार है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे पे सुल्तान मत चूके चौहान। अगला बिंदु जो साहित्यिक स्रोत का है, पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर के पंडित जयानक भट्ट ने की। इस ग्रंथ में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का उल्लेख किया गया है। साहित्यिक स्रोतों में तीसरा हमारा बिंदु हमीर महाकाव्य। इस ग्रंथ की रचना नयनचंद्र सूरी ने की। इस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की वीरता तथा 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। राव जय शिरो छंद, इस ग्रंथ की रचना बीटू सूजा ने की। इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य का उल्लेख मिलता है, साथ ही बीकानेर के राजा राव जयसी व कामरान के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी, इस ग्रंथ की रचना बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ ने की। इस ग्रंथ में मुगल राजपूत संबंधों, बीकानेर के राजाओं द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। एकलिंग महामात्य, इस ग्रंथ की रचना कान्हा व्यास ने की। इस ग्रंथ में महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ के इतिहास को बताया गया है। वीर विनोद, इस ग्रंथ की रचना श्यामल दास ने की। इस ग्रंथ में मेवाड़ राज्य के साथ साथ राजस्थान की आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, रणथंभौर, बूंदी, सिरोही, मारवाड़, जालौर आदि रियासतों की जानकारी प्राप्त होती है। बीसल देव रासो, इस ग्रंथ की रचना नरपति नहाल नाम के विद्वान ने की। इस ग्रंथ में अजमेर के राजा बीसल देव चौहान के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। बीसल देव चौहान को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कानर देव प्रबंध, जालौर के राजा कानर देव की वीरता तथा जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी देने वाला यह ग्रंथ पद्मनाभ नाम के विद्वान ने लिखा, नैणसिरी ख्यात। इस ग्रंथ की रचना मोनोत नैणसी ने की। जोधपुर राज्य के साथ साथ राजस्थान की मेवाड़, आमेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, सिवाना, सिरोही जैसी कई रियासतों का इतिहास इसमें मिलता है। राजस्थान के उत्सव, स्थापत्य कला, दुर्ग, मंदिर, वस्त्र आभूषण, धर्म, मुगलों से लड़े गए युद्धों की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। नैणसी की ख्यात राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात है। राजस्थान का अबुल फजल नैणसी को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास की जानकारी तथा फारसी ग्रंथ हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा से प्राप्त होती हैं। लिखे गए खजाइनुल फुतूह ग्रंथ से हमें भी इस की जानकारी प्राप्त होती है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स स्टोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इससे हमें राजस्थान की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहियां, अखबारात, फरमान पत्र, दस्तावेज आदि के माध्यम से भी राजपुताने के गौरवमय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, ये अपना प्रथम प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगले प्रश्न को अपन नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा। धन्यवाद।